हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरे भाई, ये जो क्लास हो रही है ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का महातंडो क्लास हो रही है। ये ऑल सब्जेक्ट का यानी आप लोगों का ऑल चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये क्लास एक्चुअली डिजिटल बोर्ड में होना चाहिए था, पर डिजिटल बोर्ड में क्लास नहीं हो पा रही है। चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है, खड़ा होने का ताकत नहीं है। इस कारण से मैं आप लोगों को लैपटॉप के स्क्रीन पर ही आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करूँगा। याद रखिएगा मेरे भाई, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले याद रखिएगा सारा क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके अच्छे ढंग से देख लेना है। और जैसे ही आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस यानी क्लास 12 का कल आप लोगों का अंतिम एग्जाम है, सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए और घर से वादा करके जाएंगे कि इस बार हमें 30 में से 30 मार्क्स लाना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सीओटी की तैयारी कराई जाएगी, वो भी ऑनलाइन। सीओटी जो क्लासेस होगी मेरे भाई, उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप में आप लोगों का नोट्स, पीडीएफ, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होगी, सारा चीज आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के बाद हम लोग पूरा ओढ़ फांद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। और कुछ काम ऐसा करके जाइए मेरे दोस्त कि आपको देख कर छोटे छोटे बच्चे आपसे प्रेरित हो और कहे कि मुझे अगर बनना है तो मुझे मुकेश की तरह बनना है, अगर मुझे बनना है तो रानी की तरह बनना है, अगर मुझे बनना है तो आयशा की तरह बनना है। तो इस तरह से कुछ काम ऐसे करके जाए कि आपके मरने के बाद भी आपके फैमिली आपको हमेशा याद करते रहे। इसलिए मेरे दोस्त, याद रखिएगा इस क्लास को अच्छी तरह से देखिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अरे किसी के लिए नहीं, कम से कम अपने माता और पिता के लिए तो पढ़िए, क्योंकि बहुत कष्ट से उन्होंने आप लोगों का पाल पोस कर हम सभी को बड़ा किए, तो वो लोगों का भी कुछ आरजू होगी, है ना। तो आज हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चन को एकदम निचोड़ कर मैं लेकर आया हूं। बस हाँ, शर्त है कि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपको देखना है। तो चलिए क्वेश्चन करो। और पहला ही क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक नहीं हजारों स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर नाराजगी जताए हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि चीन होगी। बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर क्या होगी? भारत। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर कोई है वह है भारत। अब आप लोग एनसीईआरटी देख कर ये ना सोचे कि सर चीन दिया हुआ है। अगर एनसीईआरटी अगर अपडेट नहीं होगी 10 साल तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसका आंसर नहीं होगी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कौन सी घटना घट रही है इसी को लेकर आप लोगों को चलना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर अगर कोई है तो याद रखिएगा मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए मुंबई। क्या होना चाहिए मेरे भाई? मुंबई होना चाहिए। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ है, ये दिखने में लग रहा है सर ये तो हम लोगों का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को संविधान के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। और हम लोग देखने वाले हैं कि जो आप लोगों का संविधान की जो खूबसूरती है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को सारा चीज़ को बेहतरीन तरीके से देखना है। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है तो बताएंगे सर, याद रखिएगा रोपण कृषि। क्या हो जाएगी? रोपण कृषि। ज्योग्राफी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दिल से वादा कीजिए 30 में से 30 लाकर दिखाना है, ठीक ना। निम्नलिखित देशों में से किस देश में न्यूनतम जन्मदर पाई जाती है? इसमें हमको बताना है न्यूनतम जन्मदर कहाँ पे पाए जाते हैं, जापान में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है, नहीं तो लेटविया होगी। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व का व्यस्त जलमार्ग क्या है? आपको यहाँ पे बताना है विश्व का व्यस्त जलमार्ग जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका राइट आंसर बताना है। क्या जाएगी? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। क्या जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं ले चलूं आपको तो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगी, ठीक है, समुद्र मतलब। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना किया गया था, किस संगठन को बनाया गया था? मैंने चीख चीख के आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, नाटो 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 पढ़ाया ना मेरे, याद रखिएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल में। नाटो का पूरा नाम एग्जाम में कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए, जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुई है? जो जर्मनी का एकीकरण है इसमें आपसे पूछा गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुई थी, 1990 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1990। इसका क्षेत्र हो जाएगी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण। जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई शेयर कीजिएगा, क्योंकि 180 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है। साथ ही साथ जैसे क्लास खत्म होगी
इसमें आपको बताना है कि आपने 42 या मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा इसमें आप कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, वह है, लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, जो मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा 1988 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। कभी देखिए ना, कभी आपका आएगा प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ तो कभी चीन आ रहा है, तो कभी याद रखिएगा कभी आपका 1988 में क्या आ रहा है, मित्रता पूर्वक बनाया गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेके चलना है। लेकिन देखिए मेरे आप बात करूं आप लोगों का 1954 में भी ना भारत, याद रखिएगा जब शिमला समझौता हो रही थी, सॉरी आपका पंचशील समझौता, उस समय में भी भारत के जब आजाद हुई थी उस समय कोई अगर सपोर्ट कर रही थी वह है चीन। तो यहां पर हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन एक जो है ना यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलती दिया हुआ, यहां पर लिखना चाहिए कौन से ईयर नहीं होना चाहिए, तो 1962 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तिब्बत को लेकर। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्ताना, तो 1988 में भी हुआ था, 2006 में भी दोस्ताना हुआ था, और 1954 में भी दोस्ताना संबंध रखा गया था। 1954 में शिमला समझौता हुई थी, ठीक उसी समय भारत और चीन 5 सिद्धांत पर अपने राय को जताए थे, अपने आप को बताए थे कि इन 5 सिद्धांतों का हम लोग दोनों देश पालन करेंगे, इस तरह से मित्रता प्रयोग बढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून, इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, पाकिस्तान और भारत। अब सभी को चित्र से पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 14। शिमला समझौता जब 3 जुलाई 1972 को हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे सर भारत के प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था जुल्फिकर अली भुट्टो। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर हम लोगों को जो 15 है, इसमें पूछा गया है इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्तक्षेप किए थे। जो इंदिरा गांधी जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने किस समझौते पर हस्तक्षेप किए थे, तो 1972 का शिमला समझौता। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 1972 का शिमला समझौता। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों से संबंधित है। सिंधु नदी जल विवाद अगर जो देश का नाम पूछा गया है, तो भारत और पाकिस्तान है, और हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा किसमें, मोहनजोदाड़ो के टॉपिक में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 17 नंबर के बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी, क्या उत्तराखंड। क्या हो जाएगी? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो नीति का आरंभ किया था। पूरब की ओर देखो, क्या नीति का नाम क्या था? पूरब की ओर देखो नीति का जो नाम था मेरे भाई, ये किसने शुरू किया था मेरे भाई, तो बताएंगे सर नरसिंहम राव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का विचार अगर दिया था, वह व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण। क्या था मेरे दोस्त? जयप्रकाश नारायण। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 के, बोडोलैंड स्वायत्त सामी परिषद किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी आसाम। आप सोचते होंगे सर ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगी, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन इनफिनाइट रिच निम्नलिखित में से किस देश ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, USA, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा नोटिस करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में कोई क्लास 11 में है, जो अभी क्लास 12 में जस्ट जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। जो आप लोगों का घर के आसपास में जिनको जो भी स्टूडेंट्स है क्लास 11 में, जो अभी क्लास 12 में जस्ट जाने वाले हैं, उन लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दे और बताएं उन लोगों की 399 रुपये में क्लास 12 की आप भरपूर तरीके से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी, जितना ज्यादा हो सके अपने घर के अड़ोस पड़ोस यार, तो रिलेशनशिप में या तो आपका छोटे भाई बहन होगी, उन लोगों को जरूर इन्फॉर्म करें। 1 अप्रैल बोल दीजिए उन लोगों को कि भूले नहीं, 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और दोनों टाइम क्लास चलेगी। क्योंकि यहां पे आप लोगों का जो क्लास था मेरे भाई, यहां पे आपका 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अगर मैं बात करूं
2025 का सेशन का, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को फोकस करना पड़ता है आपका थ्योरी लेक्चर पे। अगर थ्योरी लेक्चर पर फोकस नहीं करेंगे, अब स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैं शर्मा के इस पेपर, वर्मा के इस पेपर से पढ़ लूँगा और एग्जाम में जाकर अच्छा मार्क्स ला सकूँ, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, जो आप लोग अच्छी तरह से झेल रहे होंगे, है ना। तो एक बार जरूर इन लोगों को इन्फॉर्म कर दे। नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय रहा, 22 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा 7 बहनों में 7 को राज्य शामिल है और सारा का सारा राज्य पूरब की तरफ जो आती है, याद रखिएगा वहाँ ये जो राज्य है मेरे भाई, याद रखिएगा ये जो राज्य है यहाँ पे, इसी राज्य को कहा जाता है पूरब की ओर जो 7 राज्य है उसको हम लोग 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि गोरखालैंड नामक अलग राज्य किस मांग, राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई थी, तो बताएंगे सर 24 का बिल्कुल क्षेत्रों का पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 25 का। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, जो क्वेश्चन है तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है मेरे दोस्त, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश। संविधान के किस भाग में, 22 भारत के जो संविधान है ना उसकी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। जब भी भाषा के बारे में बात करें तो बताएंगे सर 8वीं अनुसूची, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। क्वेश्चन है सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो बहुत सिंपल है, एक छोटे छोटे बच्चे को भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है, तो सभी को पता होगा हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगी। शेयर कीजिए, एक बार जरूर शेयर कीजिए मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं। भाषा आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी, भाषा आधार पर सबसे पहले अगर कोई राज्य की स्थापना हुई थी वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब हुई थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा 1953 में। कौन से समिति के तहत, फजल अली संगठन, सॉरी संगठन का नाम पूछा जाएगा फजल अली संगठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 29, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, कौन सा भाषा था, तो बताएगा सर 29 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगा तेलुगु भाषा, याद रखिएगा कौन सा भाषा, तेलुगु भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगी। गोवा भारत का राज्य कब बना, जो गोवा है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बनाया गया, तो बताएंगे सर 30 का जो बिल्कुल क्षेत्र होना चाहिए 1987, क्या हो जाएगी 1987 इसका बिल्कुल क्षेत्र होगा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किए थे, भारत में अगर सफल परमाणु परीक्षण आपसे पूछा जाएगा तो 1900 याद रखिएगा 74 में हुआ था। 32 पे आते हैं सर, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो दूसरा पूछा जाएगा तो आपको 1998 बताना, और ये किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत ने किस संधि पर हस्तक्षेप किए, भारत ने किस संधि पर हस्तक्षेप किए थे, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन कि परमाणु अपसार संधि पर किस देश ने हस्तक्षेप नहीं किए थे, मैंने अभी जस्ट बताया था भारत था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षेस में कितने देश शामिल, मेरे भाई जो 35 क्वेश्चन है ना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं बता दूं इसके बारे में डीपली थोड़ा सा समझ जाइए इसके बारे में, ठीक है। जब सार्क का गठन हो रहा था ना उस समय 7 देश थे, ठीक है, लेकिन 2005 में एक और संगठन हुई थी, सम्मेलन हुआ था जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया था। इस तरह से मैं बता दूं आप लोगों को, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो दक्षेस यानी सार्क का गठन जो हुई थी मेरे भाई, इसका मुख्यालय जो काठमांडू में हुई है, याद रखिएगा इसमें प्रेजेंट टाइम में 8 सदस्य देश शामिल है, कितने 8 सदस्य देश शामिल है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन अभी तक छप चुका है कि 8 सदस्य देश जो है इसका नाम क्या क्या है, तो आपको अगर नाम चाहिए मेरे भाई तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैं इतना बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं बता रखा हूं, आप जिंदगी में चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। तो एक बार आप अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी तरह से सार्क का, आसियान का, नाटो का, सिंटो का, भारत के पड़ोसी देशों का ट्रिक को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन 36 है कि दक्षिण का 8वां सदस्य देश कौन बना, देखिए 8वां सदस्य देश जो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, 8वां कौन हो जाएगा, तो बताएंगे सर अफगानिस्तान, ठीक है ना। 36 का बिल्कुल सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि सार्क का सबसे छोटा देश है, सार्क का सबसे छोटा देश अगर कौन है, देखिए ये जो सार्क है ना मेरे भाई, नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, चारों सार्क का सदस्य देश है, आपसे पूछा गया सबसे छोटा देश कौन सा है, तो बताएंगे सर मालदीव, क्या हो जाएगी मालदीव। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य है, याद रखिएगा इसमें आपको बताना है कि दक्षिण का सदस्य देश है, तो बताएंगे ये भी क्वेश्चन जो है ना 38 का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आती है, मालदीव हो जाएगी, ठीक है।
बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फराक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? फराक्का समझौता जल विवाद से संबंधित थी, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्या जाए? भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 41 है आपसे पूछा गया, 1 जनवरी 2017 को वान की मून के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव किसे चुना गया है? तो 41 का जो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगी? एंटोनी गुटेरस। क्या हो जाएगी? एंटोनी गुटेरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो होती है इसका वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनी गुटेरस। क्या हो जाएगी? एंटोनी गुटेरस। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? याद रखिएगा, इंटरनेशनल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा यह किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर मानव अधिकार से। क्या जाए? मानव अधिकार से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग सबसे अधिक इस देश ने किया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वीटो पावर क्या, व्हाट इज वीटो पावर। वीटो पावर 5 देशों के पास होती है। कितने देशों के पास? 5। जो सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यूएनओ का 6 अंग होती है, जिसमें से एक आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद आती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का 15 सदस्य है। कितने? 15 सदस्य देश है, लेकिन 5 सदस्य है अस्थाई और 10 सदस्य अस्थाई। 5 सदस्य जो होती है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। और वीटो कौन आते हैं मेरे भाई? एबीसी। क्या? एबीसी एफआर। एबीसी एफआर, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, याद रखिएगा। तो आपसे यहां पे पूछेंगे कि कौन से ऐसे देश है जिसमें सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग सबसे अधिक किया है, तो मेरे भाई बता दें, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ना, याद रखिएगा इसका आंसर अमेरिका होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 45 एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है मेरे भाई वो कहाँ पे स्थित है? आप सभी को पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में। द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। परमाणु अपसार संधि कब हुई थी? प्रसार संधि कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1968, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ पे हुआ है? 47 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। कहाँ पे? अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। पेशेंस बनाए, सारा चीज मैं बताऊंगा, टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया है? साझी त्रासदी का जो सूत्र देने वाले थे वह है गैरियन हार्डिन। क्या जो गैरियट हार्डिन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब करवाए गए थे? 49 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1952। कई बार ना पूछे गए कि दूसरी आम चुनाव कब हुई है, तो याद रखिएगा कभी भी पूछे जाए तो 5 साल आपको जोड़ देना है, तो बोल सकते हैं 1957। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को एकदम निचोड़ कर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 50 में पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के प्रथम विधि मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। इन जितना क्वेश्चन मैं बताया हूं इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में छप रही है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का जो उपराष्ट्रपति पूछा गया तो बताएंगे सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सर अगला क्वेश्चन है कि गोवा, दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य में राज्यों का उपनिवेश था? 51 का बिल्कुल सही उत्तर होगी पुर्तगाल। क्या हो जाएगी? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसका गठन 2000 ईस्वी में नहीं हुई थी? तो गोवा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 53 में। 1971 में बने ग्रैंड अलायंस का क्या उद्देश्य है या क्या ध्येय था? 53 का जो बिल्कुल क्षेत्र होना चाहिए इंदिरा हटाओ। क्या? इंदिरा हटाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं सर। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगी? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 11 में है तो लोगों को बिल्कुल आप लोग इन्फॉर्म कर दें, 1 अप्रैल से हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है मेरे दोस्त क्लास 12 के लिए, जहां पे मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 के बंदे एक बार पे करके ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। इस बार मैं तो ऑनलाइन क्लास आप लोगों को नहीं दे पाया हूं, लेकिन जो सेशन होगी 2024 से 2025 इसमें में सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास चलेगी, और साथ ही साथ कंपटीशन का भी क्लासेस चलेगी। कंपटीशन का मतलब आपको साथ में लेके चलूंगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जैसे सीएसआई, बीएसएफ, आर्मी वगैरह, कुछ भी आप बनना चाहते हैं लाइफ में, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 12 की तैयारी में ऐसा करवाऊंगा कि दोनों एक ही साथ आपका लेवल हो जाए। ठीक है,
चलिए तो आप लोग जरूर इन्फॉर्म करें दोस्त, हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, तो बस हम चाहते हैं कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम। कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था कब? 1885 में। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? देखिए दो क्वेश्चन यहाँ कि बर्लिन की दीवार कब गिरी, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, बताएंगे सर। याद रखिएगा 1961, क्या जगह 1961 में शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? बांग्लादेश का। कहाँ मेरे भाई? बांग्लादेश। इसका बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है? शिवसेना जो है 59 किस राज्य में सक्रिय है? याद रखिएगा महाराष्ट्र। क्या जगह? महाराष्ट्र। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना हुआ था कब? 1957 को, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक बार ध्यान से समझिएगा और कितना क्वेश्चन आपने सही किए हैं ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन है सर, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 61 का बिल्कुल सही उत्तर होगा पीवी महलनोबिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो बताएंगे सर चीन के साथ। किसके साथ हो जाएगी? चीन। याद रखिएगा चीन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 63 कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था? आपको बताना है 63 का भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 64 की चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 65 आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ है? 65 का बिल्कुल सही हो जाएगी पाकिस्तान। क्या हो जाएगी? पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि वैश्विक ताप वृद्धि में, जो वैश्विक ताप वृद्धि होते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो 66 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मेरे दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? मालदीप। क्या आ जाएगी? मालदीप, ठीक है। और कोई से स्टूडेंट्स जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं और कुमार डुबी हाई स्कूल में किसी का भी एग्जाम पड़ा है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका भी कुमार डुबी हाई स्कूल में एग्जाम पड़ा है, ठीक है, या तो आपका बेनागोड़िया हाई स्कूल, याद रखिए मेरे भाई, याद रखिए क्या, बेनागोड़िया हाई स्कूल निरसा बेनागोड़िया जो है, ये दोनों स्कूल में आप लोगों का, याद रखिएगा 26 तारीख को मैं आ रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, मतलब रांची डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर मैं आपके सामने आ रहा हूँ धनबाद डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कुमार डुबी से हैं और निरसा बेनागोड़िया से है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले मैं स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जल्दी से पर्सनल इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें। 91 क्या करना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा 91888860 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोगों से जरूर मिलने आऊँगा। साथ ही साथ बहुत जल्द मैं गिरिडीह भी आ रहा हूँ, धनबाद नहीं बल्कि भारत के नहीं बल्कि झारखंड का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं आप लोग जरूर अपना अपना एड्रेस बताएंगे, मैं आपके साथ जरूर मिलूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आने वाला इन फ्यूचर आपको क्या करना है। आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ करने का साधन नहीं है, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं सारा चीज मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि झारखंड के बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिसके अंदर में खूंखार टैलेंट भरा हुआ है, जो बहुत सारे गाइडलाइन नहीं पाने के कारण आप गलत रास्ते में गलत ट्रैक में भटक जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट करूं, कुछ ऐसे सजेशन दूं, कुछ हेल्प मैं कर दूं अपने तरफ से, तो आप लोग सही डायरेक्शन पे जाएगी और हमें यकीन है कि अगर ऑनेस्ट पूर्वक मेहनत करेंगे तो एक दिन आपकी सफलता रंग लाएगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आते सर अगला क्वेश्चन, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुई थी? बताएंगे सर 11 सितंबर 2001 को। कब हुई थी? 11 सितंबर 2001 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते सर 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में मिटा दिया? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी अफगानिस्तान। क्या हो जाएगी? अफगानिस्तान। आते सर अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चला गया था? तो बताएंगे सर 69 का बिल्कुल क्षेत्र होगा USA, ऑप्शन नंबर एस बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य में कौन शामिल थे? तो बताएंगे सर भारत। याद रखिएगा भारत जब शामिल था उस समय भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 देश शामिल थे, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं 193 देश शामिल हो चुकी है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस राज्य के नागरिक है? तो बताएंगे सर पुर्तगाल का। कहां का? पुर्तगाल। अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट अपनाया था? जो अमेरिका थे उन्होंने कौन सा सैनिक गुट अपनाया था? तो बताएंगे सर नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नाटो में 1949 में कितने देश शामिल थे? देखिए जब नाटो का गठन हो रही थी ना उस समय 12 देश शामिल थे। कितने? 12 देश शामिल थे। दो ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा तो 30 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? USA, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगी दोस्त? फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य देश नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है, तो बताएंगे सर भारत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा 78 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सोवियत संघ। क्या हो जाएगी? सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि। क्या हो जाएगी? वर्षा संधि इज द राइट आंसर हो जाएगी। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तरह से पता है कि दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे मेरे भाई? तो काठमांडू है नेपाल में। अभी दक्षिण में कुल कितने देश शामिल है? तो देखिए प्रेजेंट टाइम में दक्षिण में कितने देश शामिल है, ये 81 में आपसे पूछे गए, तो पहले 7 था, अभी अफगानिस्तान को भी शामिल करके 8 बनाया गया है। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए मेरे भाई ये जो आपसे पूछा गया सार्क, इसमें से कौन सदस्य देश नहीं है? तो इंडोनेशिया सार्क का सदस्य देश नहीं है। आते सर अगला क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? फिर से आपसे 83 में पूछा गया कि सार्क का इसमें आपको बताने की सदस्य देश नहीं है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा म्यांमार। क्या हो जाएगी? म्यांमार एक तरह का देखा जाए तो नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सार्क का 19वें सम्मेलन जो रद्द हो गया कहाँ होने वाला था? 84 का जो क्वेश्चन है इसका इस्लामाबाद आंसर होना चाहिए, जो पाकिस्तान होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्तक्षेप हुई थी? जो साफ्टा समझौता हुई थी उसमें किस वर्ष हस्तक्षेप हुई थी? तो बताएंगे सर 85 का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। क्या हो जाएगी? 2004। क्या हो जाएगी? 2004। आते सर अगला क्वेश्चन 86 है कि किस देश के साथ संधि की किसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्रों को अपनाए थे? तो पंचशील समझौता से मैं पहले भी बता चुका हूं कि पंचशील समझौता से आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रही है, याद रखिएगा चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में है इस क्वेश्चन को, और जब मैं आप सर्च करेंगे ना तो इसका अलग अलग आंसर मिलेगी। तो मैं चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग रद्द करें, लेकिन यहाँ पर ना क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इनमें से कौन सा वर्ष है जो भारत और चीन के मित्रतापूर्वक नहीं देखा गया? तो 1962 होगी। क्यों? क्योंकि 1962 में तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन मैं बात करो ना 1954 की, तो 1954 में जब भारत आजाद हुई थी उस समय भारत को अगर सपोर्ट करने वाला था कोई तो वह चीन। भारत और भारत का पहला मित्रता अगर देश कहा जाएगा वह चीन। किसके साथ? भारत के साथ। कब? तो याद रखिएगा जैसी आजादी हुई थी उसके बाद। तो यहां पे नहीं होना चाहिए था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो आप सभी को पता है कि 1962 में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण पंचशील का उल्लंघन किया था? तो 88 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या? याद रखिएगा चीन। क्या हो जाएगी? तीन। मैकमोहन रेखा स्थित है। देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, लेकिन आपसे पूछा गया ना कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 90 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन को ना बिल्कुल आप लोग कन्फ्यूजन नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे 91 में पूछा गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मेरे भाई देखिए यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए था, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देखिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे जो ना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, याद रखें श्री राजगोपालाचारी, भारत का। लेकिन यहाँ पे पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फिर आप कॉमेंट करेंगे सर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने गलत बताए। क्वेश्चन को देखिए, भारत का, सिर्फ भारत का कहा गया है कि भारत जब आज़ाद हुई थी उस समय भारत का पर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के, जब भारत आजाद हुई थी उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 93 देखते हैं और इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का
जब आप सेमेस्टर वन में एडमिशन करवाएंगे, मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, जब आप सेमेस्टर वन में एडमिशन करवाएंगे तो इसी चैनल पे आप लोगों का जो भी ऑनर्स पेपर लेंगे आप, इसी चैनल पे आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी तब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा ऑनर्स पेपर लेने से आप कौन सा डिग्री हासिल करके कहाँ तक पहुँचेंगे, या आप कोई भी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं तो उसका फ्यूचर में क्या उपयोग होने वाले हैं, सारा चीज़ ऑनर्स पेपर से रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोग ऑनर्स पेपर से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो होना चाहिए ताकि हम लोग को पता चले सर कि हम लोग कौन से पेपर लें ताकि हमारे भविष्य में आगे चलकर काम आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा, दोस्ती को देखा देखी, फ्रेंड लेते हैं तो हम भी ले लेते हैं। जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ रियलिटी है, थोड़ा सा आप लोगों को दुख लग सकता है। फ्रेंड लिया है पॉलिटिकल तो मैं भी पॉलिटिकल ले लिया हूँ, फ्रेंड लिया है इकोनॉमिक्स तो मैं भी इकोनॉमिक्स ले लिया हूँ, लेकिन उनके अंदर में जो नॉलेज है वो मेरे अंदर में नहीं है, लेकिन उसके देखा देखी मैं ले लिया हूँ और एक सेमेस्टर के बाद दूसरा सेमेस्टर में वो करना शुरू हो जाते हैं। तो आप सब की करें अपने दिल की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92 है 93 कि कांग्रेस का विभाजन किस हुए से हुई। याद रखिएगा 1967 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 5 मार्क्स का हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन होने का कारण था। 5 मार्क्स अगर अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं तो मैं बेहतरीन तरीके से बताया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर एक बार देखिए कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ था एक्चुअली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से धारा 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, किससे, जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन पर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ, सबसे पहले किन दो देशों के बीच हुआ था, तो चीन के बीच 1954 में, लेकिन आप उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे सर 95 का जो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, 96 का जो बिल्कुल आंसर होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय, क्यों दूसरी पंचवर्षीय, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, पहला पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा मेरे दोस्त 1951 से 56 तक हुआ था, दूसरा 56 से 61 तक हुआ था, फिर 61 से 66 तक हुई थी, ठीक है। तो 61 to 66 इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 98 की भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। मैं बता चुका हूँ कि अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा तो डॉक्टर बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक आपसे कहा जाएगा तो बताएंगे सर, याद रखिएगा डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन, क्या हो जाएगी मेरे भाई, स्वामीनाथन जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं सर, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुई थी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी है इसका निधन कब हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 को, का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 90 के बाद जो आप लोगों का 100 क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957, बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के लागू हुआ था, मतलब नई आर्थिक नीति जो है वो किस भारतीय प्रधानमंत्री जब नए नए आए थे उन्होंने लागू किया था, तो 101 का बिल्कुल क्षेत्र होगा नरसिंहम राव, क्या हो जाएगा मेरे भाई, नरसिंहम राव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 102 निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, तो 102 का बिल्कुल क्षेत्र होगा मोरारजी देसाई, क्या हो जाएगी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन कौन से पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना ने इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आते सर अगला क्वेश्चन कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब लागू किया था, 1976 को, क्या हो जाएगी 1976, और 42वें संविधान संशोधन को ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से हम लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते से संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है, जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन कि जनता पार्टी का गठन हुआ था, आपसे यहाँ पे पूछा गया जनता पार्टी के जो गठन है 106 में 1977 में हुई थी, कब हुई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिक सीटें मिली है,
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिक सीटें मिली थी, तो 107 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी जनता पार्टी का। किसका हो जाएगी? जनता पार्टी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि अगर राष्ट्रीय दल नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में आसाम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? आसाम को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था? नागालैंड। किसको मेरे भाई? याद रखिएगा, नागालैंड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10 पे कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो 110 का बिल्कुल जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, हर्ष चंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन है कि गोधरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ है? भारत में गोधरा कांड जो हुई थी वो भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बताएंगे सर गुजरात में गोधरा कांड हुई थी। ध्यान से समझिएगा और आज रात के समय हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आज रात को बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। कौन कौन कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो अभी आप लोगों का एग्जाम सेंटर पढ़ा है कुमार डुबे हाई स्कूल या HSMS या BSK कॉलेज माथान, जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग एक बार पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आ रहा हूँ आप लोग का। याद रखिएगा आपका 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाले उस दिन मैं आप लोगों से सबके साथ जरूर मिलूंगा। ठीक है, और आप लोग अपने अपने एड्रेस जरूर बताएं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन से कॉलेज से हैं। मैं झारखंड का हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा के आप लोगों से मैं जरूर मीट करूंगा, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर आपको क्या करना है। सारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं मेरे भाई, 100 में 10% ऐसे व्यक्ति है जिसके अंदर में टैलेंट नहीं होती है, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास टैलेंट भर के होती है, लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं पाने के कारण वो सही रास्ते पर नहीं जा पाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ बस याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कभी ये ना सोचें कि हम पूछेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं, ये सोचकर पूछें कि मैं आपका एक छोटा भाई हूँ, बस ये आपको सोचकर सारा चीज़ आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगी जिंदगी से रिलेटेड सारे चीज़ को मेरे से जितना हो सके कि मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, पर हाँ एक शर्त है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अपने घर के अड़ोस पड़ोस में जो भी स्टूडेंट्स है क्लास 10 से लेकर PG तक यानी MA तक सारे स्टूडेंट्स को बताएं कि मिसाल क्लासेस के छोटा सा फैमिली हम लोगों को बहुत सारा फैसिलिटी दे रही है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का याद रखिएगा जो सेमेस्टर 1 में आप लोग एडमिशन करवाएंगे उस समय इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को लाइव क्लास दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन बात है कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करते समय भारत के वित्त मंत्री कौन था? तो 112 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए इसका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगी? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था मेरे भाई लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्त? याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने। आते सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस नेता को हरा कर प्रधानमंत्री बनी? तो बताएंगे सर मोरारजी देसाई को। किसको? मोरारजी देसाई को। मैककाइंड एवं जन के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सर राम मनोहर लोहिया। क्या जो ये राम मनोहर लोहिया। आते सर अगला क्वेश्चन, सिंडिकेट का विरोध करते समय मतलब जब सिंडिकेट है सिंडिकेट के बारे में, तो पहला क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव आएगा। पहला एक बात याद रखिएगा, सिंडिकेट का विरोध भारत के किस नेता ने किया था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा जो 117 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? इंदिरा गांधी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का भारत में 152 से 167 तक दबदबा रहा मतलब प्रभुत्व सत्ता रहा, इसी को हम लोग बोलते वर्चस्व। तो 118 का बिल्कुल सही होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, याद रखिएगा। ठीक है, और 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी के टूटने का क्या कारण था? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे। आते सर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के 1969 के चुनाव में किस नेता को हराकर बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे? 119 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? संजीव रेड्डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारत के चौथे आम चुनाव भारत के जो चौथे आम चुनाव हुए थे इसमें पूछा गया कि भारत के चौथे आम चुनाव 1967 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता कितने राज्यों से निकल गई थी? तो 120 का
बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी 9 राज्य, कितने राज्य हो जाएंगे 9 राज्य, जिसका बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी। 21 प्रतिशत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका प्रधानता दी गई थी, उद्योग पे, किस पे, याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर दिए गए थे। वो भारी उद्योग कौन सा है तो मैं बता दूँ, भिलाई राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी भिलाई आपका है स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा ये सब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के आता है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती है। भारत में योजना आयोग कब बनाया था 1950 में, क्या हो जाएगी 1950, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रगड़ डालना इस बार, वादा कीजिए खुद से कि हमें पॉलिटिकल जियोग्राफी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में नहीं ला पाए 30 में 30, जो लाए हैं उनको बहुत अच्छी बात है, बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आपको मंजिल मिल जाएगी जरूर। लेकिन याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स 28, 27, 26 नंबर लाए हैं वो लोग कोशिश कीजिए, जो भी पॉलिटिकल साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं, कि जैसे 30 में से इस बार 30 हमको निकाल के लाना है किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए सर, लो अयस्क का विशाल भंडार किस राज्य में है, लो अयस्क का विशाल भंडार कहाँ पे, उड़ीसा में, कहाँ पे मेरा है उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी 1952 में, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन को। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्न में से कौन सा विचार शामिल नहीं थे, तो 128 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा उदारीकरण, क्या जाएगी मेरे भाई, उदारीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगी। 129 पे आते हैं सर कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ था, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है तो बताएंगे सर वाशिंगटन डीसी में है, कहाँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कि कब स्थापना हुआ था, याद रखिएगा इसका राइट आंसर 1945 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था, विश्व व्यापार संगठन किस कब अस्तित्व में आया था 1995 में, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है। चलिए सर आते सर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अगर पूछा जाएगा तो 5 अस्थायी सदस्य होती है, कौन कौन, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, लेकिन इजराइल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य की संख्या पूछा जाएगा 10। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी, आपसे 134वां पूछा गया है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी तो बताएंगे सर 2006 में हुआ था, कब हुई थी 2006, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने लोगों ने प्रथम हस्तक्षेप किए थे, याद रखिएगा मेरे भाई जब 1945 में यूएनओ का गठन हो रहा था उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी, प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा तो 193 हो जाएगी, लेकिन उस समय कितना था तो 51, याद रखिएगा, ठीक है, कितना थी उस समय 51, इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के नागरिक थे, बान की मून जो थे वो किस देश के नागरिक थे, ये भी क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछे गए हैं तो दक्षिण कोरिया का, याद रखिए कहाँ, दक्षिण कोरिया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर 37, भारतीय राष्ट्रीय भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व बना था, बताएंगे सर याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, भारत जो है ना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, 1945 में तो हुआ था, सभी को अच्छी तरह से पता है कि भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, लेकिन पूरा डेट यहाँ आपसे पूछा गया है 30 अक्टूबर होगी, याद रखिएगा, क्या हो जाएगी 30 अक्टूबर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, सॉरी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। हथियार लड़ने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह इसका कथन है, बहुत अच्छी बात कहा जिन्होंने कहा था कि हथियार लड़ने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह कहने वाला था कार्ल मार्क्स, कौन था मेरे दोस्त, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। यह सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी नहीं है, मैं कितना बार आप लोगों को बता चुका हूँ मेरे भाई कि 5 जो है ना वो 5 है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, ABCFR, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, मैंने बताया था आप लोगों को, तो जिसमें से हम लोगों ने याद रखेगा जापान के बारे में नहीं पढ़ा था, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 141 क्वेश्चन की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई सदस्य कौन से हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ मेरे भाई, याद रखिएगा ट्रिक, ए बी सी याद रखना, ए बी सी एफ आर, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। तो देखते हैं सर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो याद रखिएगा 142 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेफ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव कब हुई थी। मेरे भाई आम चुनाव जो होती है ना 5 साल बाद होती है, इस भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्रथम आम चुनाव कब हुई थी, 1952 में हुई थी, याद रखिएगा। अगर आपके पास रेंज दिया रहे ना मेरे भाई, रेंज का मतलब होता है 1951 से लेकर 1952, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक ना। दूसरी आम चुनाव कब हुई थी, अगर पहला आम चुनाव 1952 में हुआ है तो दूसरी आम चुनाव कब होगी, तो 5 साल बाद में होगी, मतलब हमें पता चल गया सर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के पहले आम चुनाव के में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी थी जब पहले आम चुनाव हुई थी। मेरे भाई आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पहले स्थान पर जो थे दूसरे स्थान पर कौन थे, तो बताएंगे सर कम्युनिस्ट पार्टी, क्या हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगी। 146 में आते से सन 1959 में जब कम्युनिस्ट सरकार को केरल में बर्खास्त किया तो केरल के किस नेता ने नेतृत्व में कड़ा विरोध किया था। 146 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी डॉक्टर एमएम नबूदरीपाद, क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बीस द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुई जिसे कब लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, वो भी बताएंगे 26 नवंबर 1949 को, पर आपसे पूछा गया संविधान कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, 148 के भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चुनाव आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह सुकुमार सेन, क्या थे मेरे दोस्त याद रखिएगा, सुकुमार सेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार मतलब भारत में जो है आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पहले लोग जो है ना 21 साल की उम्र में वोट देते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोग 18 साल हो जा रहे हैं तो जाके हम लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में घुमा फिरा के कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया वोट डालने की उम्र, तो बताएंगे सर 61वें संविधान संशोधन, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में हम लोग 18 साल की उम्र में वोट डाल सकते हैं। आते सर अगला क्वेश्चन भी कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, मैंने अभी जस्ट बताया। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1985 में होती, कब हुई थी याद रखिएगा 1985 इज द राइट आंसर। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, मतलब प्रथम आम चुनाव में कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पर कांग्रेस को सही तरीके से वोट नहीं मिला था, तो बताएंगे सर वो राज्य का नाम था उड़ीसा, क्या हो जाएगी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगी। आसियान की स्थापना कब हुई थी, जो 1950 आपका आसियान है, यहाँ पे आपसे पूछे गए आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1950, बहुत ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ना निचोड़ कर आप लोगों को देखना है। आप आसियान की स्थापना कब हुई थी इसका आंसर आप लोगों को 152 लिखना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ईमानदारी पूर्वक आप बता रहे हैं सर ये हम लोगों का होमवर्क रहा, पहले आपको होमवर्क लिखना है उसके बाद 152 क्वेश्चन में लिखना है, डेस्क देखे ABC ABCD जो भी आपका उत्तर होगी वो जरूर आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं देखता हूँ कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो मैं होमवर्क देता हूँ आप लोग होमवर्क को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन होमवर्क जरूर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है, इसमें आपको बताना है चार में से एक कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य देश है, तो बताएंगे सर इंडोनेशिया, क्या हो जाएगी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, ये सब क्या है आसियान का सदस्य देश है। आसियान का सदस्य देश का ट्रिक अगर देखना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के फोल्डर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था, तो 154 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी याद रखिएगा श्रीलंका, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त याद रखिएगा श्रीलंका। और आज ही के क्लास में मेरे भाई मेरा बीच में तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण से मैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ले पा रहा था, इस कारण क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर मैं चाह रहा हूं कि आज मेरा बॉडी जैसा भी रहे मैं आज आप लोगों को भरपूर 2 बजे भी और शाम के 6 या 7 बजे भी दोनों टाइम में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और एक क्लास होगी आप लोगों का 196 क्वेश्चन होगी या 197 क्वेश्चन होगा,
जिसमें से आप लोगों का तबड़तोड़ क्लास होगी और आप लोगों को वहाँ पे क्विक रिवीजन करना ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। लेकिन दो क्लास पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आप में से तैयार है, सर आप क्वेश्चन करवाइए, मैं हम लोग तैयार है, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, सर किस देश में अभी राजतंत्र है? आपको बताना है कि कौन से ऐसे देश है जो अभी भी वहाँ पर राजतंत्र रखा गया है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगी भूटान। आते सर अगला क्वेश्चन कि सन 1978 में ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति किसने चलाई थी? मुक्त द्वार की नीति जो चलाने वाला था ना, वो व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यूरोपीय संसद का पहला अध्यक्ष यानी पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब संपन्न हुई थी? 157 का बिल्कुल सत्र होगा 1979। क्या हो जाएगी मेरे भाई, 1979 इज द राइट आंसर। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने, ठीक है। चलिए आते सर अगला क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा जाएगा कि अगला क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, बहुत सारे ये स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कंफ्यूजन है मेरे भाई। याद रखिए 159 क्वेश्चन है ना यूरोपीय संघ के बारे में, जब आप मेजरमेंट करेंगे अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको लगेगी ना 1992 से लेकर 1993 के बीच में हुई थी, लेकिन यहाँ पे 92 तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्लिक करते हैं इसको 93, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता, ये क्वेश्चन को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना कन्फ्यूजन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन में कभी 1988 आंसर दिखता है कहीं पे 2006 दिख रहा है, कहीं पे कुछ। याद रखिएगा कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष में मनाया गया, या तो आपसे पूछा गया कि मनाया गया, तो मेरे भाई आप इसका आंसर आप अच्छी तरह से, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता ना कि कौन सा ऐसा वर्ष था जो भारत और चीन के बीच दोस्ताना संबंध नहीं था, तो हम लोग कूद के बताएंगे कि 1962। क्यों? क्योंकि 1962 में भारत और चीन को के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुई थी तिब्बत को लेकर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग अगर नहीं लगा रहता तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? साम्यवादी जो चीन है इसकी उदय कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1949 में, जब नाटो की स्थापना हुई थी। आते सर 162 में भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया गया था? तो 162 जो होती है 162 क्वेश्चन 352, क्या हो जाएगी, कौन सा अनुच्छेद है 352, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चारों मजुमदार किस दल का नेतृत्व करते थे? जो चारों मजुमदार थे वह नक्सली आंदोलन का नेतृत्व करते थे, नक्सलवादी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर संपूर्ण क्रांति का अब नारा है भावी इतिहास हमारा है, यह नारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो 164 का जो बिल्कुल क्षेत्रों का बिहार छात्र आंदोलन, क्या जाएगी, बिहार छात्र आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो बताएंगे सर खुद के क्या जय प्रकाश नारायण द्वारा दिए गए थे। आते सर अगला क्वेश्चन, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किस नेता ने दिया था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो 165 इसका बिल्कुल क्षेत्र होगी, याद रखिएगा बरुआ, क्या हो जाएगा मेरे भाई, बरुआ इसका क्षेत्र हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को देख लेना है, सिर्फ एक वीडियो देखने से नहीं होगा, मैं जितना अभी तक बता चुका हूँ अच्छी तरह से देख लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि सर 30 में से 30 इस बार ला कर दिखाना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है सर, संपूर्ण क्रांति का नाम जुड़ा हुआ है किससे, तो मैंने अभी जस्ट बताया था जयप्रकाश नारायण से। 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बना? जब 1977 में चुनाव हुई थी उस समय किसकी सरकार बनी थी और इसमें जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन था, तो बताएंगे सर जनता दल का, क्या हो जाएगा मेरे भाई, जनता दल इसका बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी। और याद रखिएगा मेरे भाई, उस समय प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई, एक नोटिस में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का CUT का एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया पैसा नहीं लगेगी। साथ ही साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों को बनाया जाएगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग का सारा नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे आप क्लास 12 के बाद जब आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाएंगे, वहाँ पर सेमेस्टर 1 का भी इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का क्लासेस, वहाँ पर आप लोग का लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। तो लाइव क्लास के लिए बिल्कुल आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त को शेयर करें मेरे भाई। याद रखिएगा अगर आप कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो वो एक ही रास्ता है कि आपको पहले शिक्षित होना होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं और पढ़ लिख कर मुझे नौकरियाँ मिले ये कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई, ये भी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ लिख कर एक अच्छा काबिल इंसान आप बन सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एडुकेशन इज़ द वेरी नेसेसरी ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ, हर एक इंसान के लिए शिक्षा क्या अनिवार्य है, ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बना था? आप सभी को पता है कि नाटो
याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, जो क्यूबा मिसाइल संकट है वह किस वर्ष उत्पन्न हुई थी, 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हो रही थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जो जर्मनी है 170 में पूछा गया, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। आते सर अगला क्वेश्चन कि G77 का आशय दुनिया के किन दो देशों से हुई थी, जो G77 है ना एक संगठन है ठीक है, जैसे UNO हो गया, नाटो हो गया, सिंटो हो गया, सीटो हो गया, इस तरह से G77 का आशय दुनिया के किस देशों से है, तो 171 को जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी विकासशील देश से, क्या हो जाएगी विकासशील देश से ठीक है। अब विकासशील क्या है, विकसित क्या है, अविकसित क्या है, ये आपको सेमेस्टर वन में पढ़ना होगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेकर स्टडी करेंगे तो। चलिए सर आते सर अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया है, तो नाटो का जो नेतृत्व किया गया था मेरे भाई वो हमें लग रहा है कि अमेरिका हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध में बता दूं 1914 से 1918, दूसरी विश्व युद्ध पूछा जाएगा तो 1939 से 1945 ठीक है, तो बताएंगे सर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन भी कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुई थी, पहला विश्व युद्ध मैंने बताया था अभी जस्ट 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पे पूछा गया 1939 से 1945, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी 20 का राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था, तो 175 जो होती है इसका क्वेश्चन का आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी बी इज द राइट आंसर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत का पूछा गया मेरे भाई तो श्री राजगोपालाचारी, क्या हो जाएगी श्री राजगोपालाचारी। चलिए सर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तब हम लोग बताएंगे लॉर्ड माउंट बेटन, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे श्री राजगोपालाचारी ठीक है। भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार का क्या बना गया, तो बताएंगे सर 179 का जो बिल्कुल सही होगा धार्मिक बहुसंख्यक आधार। भारत और पाकिस्तान जो अलग हुई थी ना, भारत से विभाजन होकर पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो एक ही कारण था, मुस्लिम देश को वो अलग मतलब मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता था, इसलिए मुसलमानों को वो कहते थे, मुस्लिम लोगों से कहते थे कि पाकिस्तान चले आए ठीक है। तो ये बोल सकते सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भाषा आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी, भाषा आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी, याद रखिए कौन सा याद रखे कब हुई थी, तो याद रखना 1953 में ठीक है। संविधान के किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, तब सभी को अच्छी तरह पता है हिंदी भाषा को। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तेलुगु भाषा में, क्या हो जाएगी मेरे भाई याद रखिएगा तेलुगु भाषा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने 182 तो क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया।